लॉन्ग एयरपोर्ट की अराइवल्स पे अब आ चुके हैं। बस ने ऑलमोस्ट पूरा चक्कर लगाया था एयरपोर्ट का और अब अराइवल्स में इमिग्रेशन के लिए। 6:15 बैंकॉक का लोकल टाइम। यहाँ से सबसे पहले जाना है वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। एयर एशिया के बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स के बाहर लिखा हुआ था नाउ एवरीवन कैन फ्लाई, और वाकई इंडिया में इस वक्त आजकल सेल है, सिर्फ 99 रुपये में इंडिया के कुछ शहरों के बीच में फ्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही कोची से बैंकॉक का जो फेयर था वो करीब 1700 रुपये का था, कलकत्ता से बैंकॉक आना जाना 8000 रुपये में हो रहा है। तो वाकई अब फ्लाई करना, हवाई जहाज़ में बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, एवरीबॉडी कैन फ्लाई। और मेरा अनुभव तो आज एयर एशिया में बहुत बेहतरीन रहा ही, पहला अनुभव था एयर एशिया के साथ में, तो मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। अभी अभी एक ज़बरदस्त खबर पता चली है और लगता है मेरी बाट लग गई है। यहाँ पर कोई ATM नहीं है इस एयरपोर्ट पर और मेरे पास कैश नहीं है जिसको मैं एक्सचेंज करा सकूँ बाद में। समझ में नहीं आ रहा मैं काम कैसे करूँगा, जबकि मुझे कम से कम 1000 बाद चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। पता करता हूँ क्या होता है, देखता हूँ। हो गई बेवकूफ़ी डॉन योंग एयरपोर्ट पे ATM बाहर निकलने के बाद है, और अब मैं चक्कर काट रहा हूँ, लोग यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, कहाँ जाऊँ समझ भी नहीं आ रहा। जरूर कोई मगर पैसे मिल गए हैं ATM से, एयरलाइंस के पास में जाना पड़ा, उन्होंने अपने एक कलीग को बुलाया और वो मुझे कहीं दूसरे रास्ते से लेकर गए। ये जो भाई हैं इन्होंने मेरी हेल्प की है, मगर एक बात का ख्याल रखें, या तो वीज़ा ऑलरेडी हो तो ठीक है, नहीं हो तो वहाँ की करेंसी लेकर आइए साथ में। थैंक्स अलॉट। जुगाड़ हो गया, एक ATM से पैसे निकाले थे। ATM किसका था पता नहीं, रसीद कहाँ गई वो। तो 7000 बात निकाल लिए हैं, 200 बात एक्स्ट्रा लगे हैं। अब पता नहीं मेरा बैंक कितना चार्ज करेगा,